हेलो गाइस, तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग कैसे हैं? और आप लोग को मैं एक बहुत ही क्या हो गया ऐसे हाँ आप लोग को मैं एक बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाऊंगी। ये देखिए, देख पा रहे हैं आप लोग सुंदर नज़ारा? इसे पता है क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं चिड़िया का घोंसला। आजकल किटी कैटी इतना बिजी हो गए पेशेंट्स को लेके, चिड़िया का घोंसला बन गया है उनका रूम। खाने को भी टाइम नहीं मिलता। ये देखिए, खाने को टाइम नहीं मिलते इसलिए खुद के किचन में क्या ढूंढ रही है तुमको ये कैमरा लेके शुरू होने के लिए व्लॉगिंग कर रही हूँ, जो कि बहुत दिनों से नहीं हुआ इस घर में। हेलो, अभी मैं जस्ट काम से आई हूँ। अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहा है और कोलकाता में 5 बजे देखिए कितना अंधेरा हो गया है। और आज रोड में इतना रैली वैली, प्रसाद का जो क्या बोलते हैं इसको, नकुलदाना, वो तो हम लोग बंगाली में बोलते हैं, लेकिन ऐसा क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कुछ तो एक बोलो। भगवान का प्रसाद जो भी है, भगवान का प्रसाद देखो कैसे यहाँ पर रख दी है, यहाँ पर रखती है। चीची जी, उसके लिए एक डब्बा है, उस डब्बे में भी रखा नहीं गया। सीरियसली, अभी मुझे अंजल बोल रही है कि घूमने जाना है, जबकि अंजल को पता नहीं है, पूरा दिन घर पे वो बैठ के पढ़ाई कर रही थी कि बाहर क्या हालत है। तो क्या हुआ बाहर हालत क्या? अभी ये मौसम चला जाएगा तो इसी मौसम में तो इतना सुंदर सुंदर फेयर होता है, फूड फेस्टिवल होता है। ठीक है, आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे शुरू किए थे, यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए। मुझे कुछ बोलना है, वैसे तो व्लॉग को यहीं पे खत्म नहीं करते हैं। अभी आज हम लोग कहीं पे जाने वाले थे क्योंकि आज का जो रोड का हालत है बहुत खराब है, क्योंकि जगह जगह पर वो लोग रोड को ब्लॉक करके कुछ कर रहे हैं, क्योंकि संडे के इलेक्शन है। इतना गुत्ते में लाल लाल क्यों हो रहे हो? अच्छा, तो आज का ये व्लॉग हम लोग कल के लिए कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छा एक एग्जीबिशन में कल जाने वाले हैं। बहुत बड़ा एग्जीबिशन है, कोलकाता का बहुत अच्छा एग्जीबिशन है। बहुत सारा स्टॉल वहाँ पर बैठेगा एंड बहुत तरीके का। एक्चुअली मैं भी फर्स्ट टाइम जाऊंगी, लेकिन मुझे फेयर है एंड मुझे ऐसा मन है कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। और कल हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं और आप लोगों को भी मैं लेके जाऊंगी इस फेयर में। आफ्टर 2 मंथ्स हम लोग ब्लॉग कर रहे हैं, लेकिन हाँ, कल वाला वीडियो के लिए प्लीज आप लोग स्टे ट्यून रहना और कल हम लोग बहुत अच्छे से एक ब्लॉग करने वाले। इतने दिनों के बाद कल हम लोग बहुत अच्छे से ब्लॉग करने वाले हैं, क्योंकि इतना दिन कोई याद नहीं आया आपके खुद के चैनल, हमारे चैनल के बारे में। क्योंकि आज नहीं हो रहा, हो पाएगा मुझसे, सॉरी, बाय बाय, टाटा, हो पाएगा। हमारे डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं। दिस इज पीसी चंद्रा गार्डन, एन्चांटेड गार्डन। बाहर का आप लोग देख पा रहे हैं केओस अंदर। ये कहाँ पे है? ये साइंस सिटी के ऑपोजिट टू साइंस सिटी, ऑपोजिट। एंड यहाँ का बाहर का केओस देख के आप लोग को पता ही चल रहा होगा कि अंदर में कैसा। एग्जैक्टली, बहुत ही अच्छा कुछ होने वाला है। आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो आप लोग हम लोग के साथ रहिए जानने के लिए कि आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। अभी टिकट ले रहे हैं एंड टिकट हम लोग ले चुके हैं फॉर ईच पर्सन 100 रुपीज़। तो इनकेस आप लोग कभी भी वहाँ पे जाएंगे तो आप लोग को पता रहेगा टिकट के लिए कितना देना पड़ता है। इस ईयर तो 100 रुपीज़ लिया ईच पर्सन, बट नेक्स्ट ईयर का पता नहीं। आप लोग देख सकते हैं क्लोथ्स का कलेक्शन इज़ सो गुड। वी एक्सपेक्टेड इट टू बी अ लिट रीज़नेबल, बट रीज़नेबल था ही नहीं, बहुत कॉस्टली था।
कैटी तो बहुत अच्छे से वाइब कर रही है. हेयर बैंड आर एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड वेरी प्रिटी, बट इट वॉज ओवर बजट. इट वॉज लाइक अबव 1000, सो मुझे थोड़ा सा बजट लगा. ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं 1000 से तो हेयर बैंड नहीं खरीदूंगी. एंड द पर्सेस आर ऑल्सो वेरी प्रिटी, वेरी नाइस. एंड वहाँ पे घुस के ना मेरे मुंह में बस दो ही वर्ड्स आ रहा था, प्रिटी नाइस. एंड द वाइब वॉज वेरी हैपनिंग, वेरी पॉजिटिव, बिकॉज मुझे बस किटी कैटी से पता चला दैट इट वॉज अ एग्जीबिशन वेयर पीपल वेयर अक्रॉस इंडिया, लाइक मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद. एंड आई वॉज टर्न्ड एंड आई वॉज लाइक, इसलिए इतना ज़्यादा अच्छा वाइब आ रहा था मुझे, इसलिए मैं इतना अच्छा फील कर रही थी. यहाँ का जो कलेक्शन है बहुत अच्छा लगा मुझे. ना अच्छे से डेकोरेशन किया है तो हम लोगों ने जब खाना लिया है एंड वी आर थिंकिंग कि बैठने का जगह तो है ही नहीं. सीटिंग्स आर लाइक वेरी लिमिटेड, वेरी लिमिटेड. इतना अच्छे से डेकोरेट किया है जगह, अगर बैठने का जगह भी थोड़ा सा ज़्यादा दे देता तो बहुत अच्छे से हम लोग रिलैक्स वे से खा पाते. कलेक्शन इज सो प्रिटी. द मोमेंट आई वॉज गोइंग टू आस्क फॉर प्राइस, तभी तभी मैं भाग के आ रही हूँ क्योंकि प्राइस इतना ज़्यादा है, बट कलेक्शन इज़ वेरी प्रिटी. अब जिसको खरीदना है वो ज़रूर खरीदेगा, लेकिन मेरे लिए तो भागो रे बाबा भागो. Very nice collection. Yeah, so this asparagus and cheese and cucumber. What kind of better like cream cheese and asparagus or avocado and cucumber? Avocado. Avocado. तो आप लोग जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पे पिज्ज़ा ले रही हूँ. किटी कैटी को पिज्ज़ा का बहुत ज़्यादा डिमांड था, इसलिए मैं पिज्ज़ा ले रही हूँ. पिज्ज़ा इज सो डिलीशियस, सो यम. लाइक एक बहुत ही अलग टाइप का पिज्ज़ा मैं खा रही हूँ यहाँ पे. इट वॉज फिल्ड विथ मोज़रेला चीज़, मशरूम, परफेक्ट ब्लेंड ऑफ परफेक्ट थिंग्स इन माई पिज्ज़ा. और यहाँ पे किटी कैटी का मनपसंद नूडल्स लिया जा रहा है. एंड ये नूडल्स तो किटी कैटी को ही मैं खिलाने वाली हूँ क्योंकि मेरा तो पिज्ज़ा से बहुत क्या है. खाओ खाओ अपना नूडल्स खाओ. यहाँ पे मैं थोड़ा पोज मार रही हूँ क्योंकि दूसरों को सुंदर सुंदर आउटफिट पहनते हुए देख के मुझे भी याद आया मैं भी थोड़ा सा पोज मार के फैशन कर लेती हूँ. एंड ये बंदा बड़ा सही वाला कॉफ़ी बनाता है. मुझे अगर फ्यूचर में कैफ़े खोलना है मैं ज़रूर इससे कॉफ़ी बनाना ज़रूर सीखूंगी. थोड़ा सा तो तब भी बैठ के मैं सीख ली.
और ये फ्यूचर में इस आइसक्रीम का स्टॉल का दर्शन मुझे कभी भी नहीं करना, क्योंकि जब से हम लोग फूड स्टॉल में घुसे थे शी वॉज लाइक मुझे ये आइसक्रीम खाना ही है। अभी विंटर में कौन इतना आइसक्रीम खाता है बोलिए तो, अभी घर जाके शुरू हो जाएगा, गला दर्द हो रहा है, गर्म पानी खिलाओ, कॉफ़ी पिलाओ, चाय पिलाओ। गाड़ी में बैठ चुके हैं और अभी हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं और अभी शाम का 5 बज रहा है। एंड इस टाइम पे जब हम लोग घर मतलब घर जाने के लिए जब हम लोग बाहर आ रहे थे ना, टू मच क्राउड, नो बिकॉज आज संडे है, ये एग्जीबिशन सैटरडे एंड संडे था, मतलब ये खत्म होने मतलब आज ही लास्ट डे है। तुमको भी देखना था इवनिंग लाइट्स? नो टू बी ऑनेस्ट, तुम ही बोली मुझे चलो चलो चलो। अभी मुझे लग रहा है कि इसको देखना था इवनिंग लाइट्स। देखना था बट मैं ऑलरेडी बहुत, हम लोग बहुत जल्दी गए हैं ना, तो हम लोग सब कुछ एक्सप्लोर भी कर लिए एंड वी ऑल्सो वेंट टू ऑल द फूड स्टॉल एंड वी हैड ऑल द फूड। द फूड वॉज वेरी नाइस, खाना बहुत अच्छा था, खाना बहुत अच्छा। The pizza was really nice. क्या लिए बताओ? Yeah, we had tartufo pizza that was made with mozzarella cheese, fresh mozzarella cheese and mushroom and basil leaves. It was really nice. And the most best part of food is that we got organic ice cream. ऑर्गेनिक आइसक्रीम है, जब से मैं वो खाने का जितना सारा स्टॉल है ना, मैं जब से वहाँ पे गई ना, मेरा आँख वहीं पर ही था, क्योंकि मैं तो सोच के गई थी कि मैं कुछ ड्रेस वगैरह कुछ भी लेने वाली नहीं हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्राइस है। या इट्स टू एक्सपेंसिव। कलेक्शन इज सो गुड। या द कलेक्शन इज वेरी नाइस बट डिजाइन ना, ऑलर डिजाइन, हमें लगता है कि थोड़ा सा कम हो सकता था, ऐसा लगता है। पता नहीं अभी तो क्वारंटीन में था, पैंडेमिक था, शायद पैंडेमिक के बाद सबको बिजनेस करना है इसलिए हाई प्राइस करके रखा है। Yes, 2 साल तो बिजनेस हुआ नहीं ना ठीक से, हो सकता है, पता नहीं, भी सकता है ना, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन ऐसा है कि लोग भी बहुत आ रहे हैं अभी, क्योंकि इतने दिनों से लोग घर में बंद थे, तो लोगों का ऐसा था मतलब लगा मुझे कि बहुत एंजॉय कर रहे हैं उस प्लेस को, बहुत एंजॉय कर रहे थे। मैंने ये भी नोटिस किया कि people are actually spending because इतना टाइम हो गया, शायद अच्छे से शॉपिंग वॉपिंग नहीं किया होगा। लेकिन मैंने किसी के भी हाथ में बहुत सारा बैग नहीं देखा। मैंने देखा बहुत सारा। हाँ, क्योंकि आप क्या है ना, आप बहुत ज्यादा बिजी थे खाना एंजॉय करने में। तो मैंने ये जो पेशेंट है उनके डॉटर इन लॉ का एग्जीबिशन लगा हुआ था और उसके लिए मैं आई थी, तो वही मुझे बोली कि यहाँ पर बहुत खाने का स्टॉल बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा तो मैं सोच के ही आई थी कि मैं खाना तो खाऊंगी जरूर। या इट वाज वेरी यूनिक, इट वाज अ ब्लेंड ऑफ वेस्टर्नाइज्ड काइंड ऑफ फूड, इसलिए इतना अच्छा लगा। लेकिन कपड़ा खरीदना या तो घर का जो भी सुंदर सुंदर सब अप्लायंसेस था वो खरीदने का मुझे कोई भी शौक नहीं था पहले से ही, मैं माइंड सेट करके। हाँ, हम लोग बस एक्सप्लोर कर रहे थे। और एक मैं बात बोलती हूँ आप लोगों को, जो मुझे बोलने से थोड़ी सी तो पिटाई मिलेगी, जो बोलने से थोड़ी सी पिटाई मिलेगी, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी। ये जो देख रहे हैं महारानी जी, मेरी मम्मी किटी कैटी, ये भूल गई अपना क्रेडिट डेबिट कार्ड लेने, इसीलिए अभी ऐसा बोल रही है कि उतना अच्छा नहीं लगा, मैंने नहीं खरीदा। बट आई एम डैम श्योर कि अगर वो अपना डेबिट कार्ड लेती जरूर खरीदती, बिकॉज उन्होंने बहुत बार बोला तुमने क्यों मुझे डेबिट कार्ड नहीं लेने दिया, तो इट मीन्स ना कि नहीं ले पाई इसलिए खरीद नहीं पाई, लेकिन लेती तो जरूर खरीदती। बिकॉज आई कॉट हर 10 टाइम्स सिलेक्टिंग ड्रेस एंड सेइंग दिस इज वेरी नाइस। मेरी पैसा बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश में लगी हुई रहती है और ये मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि कोई तो है जो मेरे पैसा बचाने की कोशिश कर रही है। बट हाँ, ये बात सही है, अगर मैं डेबिट कार्ड लेके आती तो मैं जरूर कुछ ना कुछ खरीद लेती। ड्रेस तो मैं जरूर खरीदती, क्योंकि मुझे ड्रेस बहुत पसंद है। मुझे थोड़ा ड्रेसेस के ऊपर बहुत ज्यादा शौक है, मैं खुद को बहुत अच्छा मतलब क्या बोलते हैं इसको,
मैं बहुत खुद को आपको बहुत टिप टॉप करके रखना पसंद है। टिप टॉप तो मैं वैसे ही हूँ, मैं फटा हुआ कपड़ा पहन के भी टिप टॉप ही लगती हूँ। ड्रेस्ड वेल, हाँ मुझे बहुत खुद को अच्छा दिखना पसंद है, ये बात है। मैं खुद को बहुत अच्छा मुझे मतलब मैं जब दिखती हूँ खुद को तो मुझे बहुत ज़्यादा खुद को ब्यूटीफुल दिखना मैं चाहती हूँ हमेशा। एंड अभी पता चला आप लोगों को व्हाई इज शी टॉकिंग अबाउट प्राइस सो मच, बिकॉज़ शी फॉरगॉट टू टेक हर डेबिट कार्ड, नथिंग एल्स। और एंजल बोल भी रही थी अच्छा हुआ मैंने नहीं लेने दिया आपको डेबिट कार्ड, बिकॉज फूड इन फूड स्टॉल ऑल्सो अगर उनके लिए पॉसिबल था ना वो सारा खाना उठा के लेके आ जाती वहाँ से। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल खा नहीं पाती हूँ, वही तो प्रॉब्लम है, आप खा नहीं पाते लेकिन फिर भी खरीदते हैं, इसलिए मैंने अच्छा किया। आई लेट यू कैरी ओनली कैश, आई डिडंट लेट यू टेक योर डेबिट कार्ड। सो अभी ये जो महारानी है बहुत ज़्यादा पक पक करने वाली है अगर मैं कैमरा बंद नहीं करूँगी तो आज का व्लॉग यहीं तक मैं ख़त्म करती हूँ। एंड मैं रेगुलर बेसिस पे तो व्लॉग नहीं कर पाऊँगी, वीकली बेसिस में करूँगी ज़रूर, क्योंकि मेरे पापा ने भी मुझे बहुत डांटा है तुम क्यों व्लॉग नहीं कर रही हो बोल कर, ये भी बहुत मुझे डांटती रहती है, तो मैं ज़रूर एक वीक में व्लॉग देने की कोशिश करूँगी। और ये व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है इसलिए बाय, सी यू सून, टेक केयर, एक अलग और अच्छा ब्लॉग लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, अच्छे से रखिए, एंड कीप ऑन वाचिंग ट्रिप ऑन अ डेली व्लॉग्स फॉर मोर एक्साइटिंग कंटेंट, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, टेक केयर।